बाबा सब छोड़ के चले जाते हैं क्या? सच्ची इतना बुरा हूं मैं? तेनू मैं मनावा तेरे ते मरी जावा। ओके सो भाई लोग कैसे हो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ महादेव स्पेशल रील्स वीडियो एडिटिंग, जो कि इंस्टाग्राम में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो गाइस यह रील को आप लोग एडिट करने के लिए गाइस आप लोग की ज़रूरत होगी VN वीडियो एडिटर, जो कि बहुत ही ऑसम एडिटिंग करता है VN वीडियो एडिटर। सो सबसे पहले VN वीडियो एडिटर को ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, प्लस आइकन में क्लिक करके। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो फुटेज को ले लेना है। सो गाइस वीडियो फुटेज ऐसे आप लोग रिकॉर्ड करना है जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, स्काई में ज़्यादा से ज़्यादा गैप रखना है। ओके तो आप लोगों को स्काई चेंज करने में बहुत ज़्यादा मदद होगा। तो ये इस तरह के एक वीडियो आप लोग एक रिकॉर्ड कर देना है, तो देख सकते हो इस तरह के एक वीडियो आप लोग रिकॉर्ड कर देना है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कहाँ है इस तरह का वीडियो। ओके तो इस तरह का वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग VN वीडियो एडिटर में लेके आ जाना है। ओके तो जैसे लेके आ जाएंगे तो गाइज यहाँ से ब्लैक पेज मिल जाएगा, उसे डिलीट कर देना। और इसके बाद गाइज ये वाला वीडियो को क्लिक करके स्पीड ऑप्शन मिलता है, स्पीड ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे इतना गैप रहना चाहिए स्काई में। ओके तो स्पीड ऑप्शन मिलता है, स्पीड पे क्लिक करके रेगुलर पे क्लिक करके माइनस की ओर ले जाना है। ओके तो यहाँ पे डन कर देना है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह की आप लोगों की स्लो मोशन वाली वीडियो बन जाएगी। सो गाइस जैसे ही स्लो मोशन वाला वीडियो बन जाता है तो गाइस ये सब वॉल्यूम को ऑफ कर लीजिएगा, टैप ऑन ऐड स्टिकर में क्लिक करके महादेव जी की वीडियो को लेकर आ जाना है। तो गाइस देख सकते हो महादेव जी की वीडियो को ऊपर की ओर रखना है और यहाँ से इस तरह से कर लेना है। ओके बड़ा कर लेना है। फिर गाइस यहाँ से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करके आप लोगों को जाना है मास्क ऑप्शन पे, मास्क ऑप्शन में जाने के बाद लाइनर पे दो बार क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके ये स्क्रॉल आइकन को हल्का सा स्क्रॉल कर देना है। इस तरह से कर देने से आप लोग का जो बैकग्राउंड फेडेड लुक देगा और अच्छे से मैच कर जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को कर देने के बाद वीडियो को गाइज आप लोगों को एक बार प्ले करके देख लेना है। और म्यूजिक भी इसी वाली वीडियो में है, आप लोगों को म्यूजिक ऐड करना नहीं पड़ेगा। जितना वीडियो यहाँ पे इतना है इसे स्प्लिट करके इतना डिलीट कर देना। ओके सो जैसे ही हो जाता है फिर गाइज आप लोग अच्छे से वीडियो को प्ले करके देखो आपकी वीडियो अच्छे से चल रही है नहीं, या फिर म्यूजिक वगैरह अच्छे से आ रहा ही नहीं, तो आप लोग अच्छे से आप लोग चेक कर लेना है। जैसे ही चेक करेंगे फिर गाइज एक्सपोर्ट आइकन ऊपर मिलता है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो गाइज जैसे ही वीडियो एक्सपोर्ट हो जाता है आप लोगों को ओपन कर देना होगा सुपर VPN, क्योंकि हम लोग ऐड करेंगे डायमंड जूम इफेक्ट है। ओके तो सिंपली यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्ट कर देने के बाद इंटरनेट को ऑन करेंगे, सुपर VPN को गाइज आप लोगों को कनेक्ट कर देना है। तो जैसे ही सुपर VPN कनेक्ट हो जाता है तो गाइज आप लोगों को सिंपली क्या करना होगा, सो गाइज यहाँ से आप लोगों को कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। कैपकट एप्लीकेशन आप लोगों को लिंक इन टेलीग्राम में मिल जाएगी, हमारा टेलीग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइस न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, अभी जो वीडियो को हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है उसी वीडियो को हम लोग लेकर आ जाएंगे। तो गाइस सिंपली लेकर आ चुके हैं। अभी आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर जो एंडिंग में जो ब्लैक पेज आ जाता है उसको आप लोग डिलीट कर देना है। ओके सो डिलीट हो जाना है। तो डिलीट होने के बाद इफेक्ट पर जाकर वीडियो इफेक्ट पर जाना है, तो वीडियो इफेक्ट पे जाके ट्रेंडिंग में ही मिल जाएगा आप लोगों को डायमंड जूम, तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह की इफेक्ट आप लोगों का वीडियो में बन जाएगी। तो इस तरह की इफेक्ट बनने के बाद यहाँ पे डन करना है और इस डायमंड जूम वाले इफेक्ट को हल्का सा कम कर देना है इतना, तो आप लोग की वीडियो देख सकते हो कुछ इस तरह के बन के तैयार हो जाएगी। ओके तो वीडियो गाइस कैसे लग रही है कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही ट्रेंडिंग रील्स हमारे चैनल पे आप लोगों को मिलते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही ट्रेंडिंग रील्स से वीडियो एडिटिंग में।